ये क्या हस्बैंड गया है वहाँ पे गाने सुनो आज नहीं ले ले सुन देखिए किस तरीके से ये हाथा भाई के लिए वो तैयार हो जाए तो हाय गाइस, मैं हूँ नागपुर का ढोली चाय वाला। मैं हूँ दिल्ली की वड़ा पाव गर्ल। मैं आज हूँ दिल्ली में और दिल्ली में मैंने बहुत नाम सुना हो कि दिल्ली का वड़ा पाव की जो दीदी जो काम करती है वड़ा पाव जो आप लोगों को खिलाती है। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि औरतों से बात करने की तमीज होनी चाहिए। पागल है तू, ऐसे करेगी बदनाम होके फॉलोवर बनाएगी क्या? उसने बदनाम होके फॉलोवर बनाएगी। कौन सुनेगा मेरी? कौन सुनेगा पहले ये बताओ? हम सुनेंगे बाबा, रो क्यों रहे? मेरे को परेशान है। सुन 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 छोड़ भाई, सुननी पे हाथ मत लगाना, तेरी माँ उठा गई है। चंद्रिका दीक्षित द दिल्ली वड़ा पाव गर्ल, जो कि साउथ दिल्ली की एक स्ट्रीट फूड वेंडर है और बहुत ही जल्दी सोशल मीडिया पे वायरल सेंसेशन बन चली है और अब उनको वायरल होने का इतना चस्का लग गया है कि आए दिन उनके झगड़े होते ही रहते हैं। किसको बोल के दिल्ली? मैंने तो उस बंदे को बोला है। तू है क्या? तेरे को तो बोला है क्या? पीछे से बात करके, पीछे से बात करके पहले वो फेमस इसलिए हुई क्योंकि उनकी रोते हुए एक वीडियो वायरल हुई जहां वो अपने अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठा रही थी, जैसे उन्होंने बोला कि एमसीडी और पुलिस वाले उनको बहुत हरास कर रहे थे। पुलिस वाले, एमसीडी वाले, मैं कुछ गलत भी नहीं कर रही। लोगों ने बहुत सहानुभूति दी। इन लंदन और ये स्पेसिफिकली आज आए हैं मैम का वड़ा पाव खाने। जो चीज मैं सोच के आया था ना, मेरे को लगा नहीं था कि यार इसमें इतना टेस्ट रियली में होगा। बहुत टेस्टी है, काफी दूर से आए हम लोग। पर उस सहानुभूति के बाद जब उनके वीडियोस वायरल हुए तो अब उनको ऐसा चस्का लग गया है, वायरल होने का ऐसा एडिक्शन हो गया, टेंशन ग्रैब करने का ऐसा एडिक्शन हो गया है कि वो अब किसी और चीज को टारगेट कर रही है, बस सहानुभूति को नहीं, शायद बिग बॉस के टिकट को। और शायद इसलिए ही उनके झगड़े होते रहते हैं, कभी वायरल होने के लिए, कभी मार्केटिंग के लिए। कुछ झगड़े तो ये खुद करते हैं पर कुछ झगड़े वहां आने वाले लोग इसलिए कर देते हैं बिकॉज वो भी वायरल होना चाहते हैं। मतलब अगर चंद्रिका जी ने जवाब भी दे दिया उनकी बातों का तो बस कंटेंट मिल गया, आप रातों ही रात फेमस। इनको देखिए, ये एक्टिविस्ट दीदी ये हर झगड़े में पाई जाती हैं, इनको जैसे चस्का ही लग गया हो। इसको बोला आ, दूर रखा। पर आज इनके बारे में खुलासा करेंगे इस वीडियो में, तो ये वीडियो देखते रहना। इसके साथ एक नया झगड़ा आया जिसमें बहुत सारी ऐसी ऑब्जर्वेशंस हैं जो कि आपको सोचने में मजबूर कर देंगे। डिटेल में देखोगे तो ऑब्जर्वेशंस आपको दिखेंगे और उसके बाद मैं भविष्यवाणी करूंगा 10 पॉइंट्स के साथ आगे दिल्ली वड़ा पाव के साथ क्या क्या घटने वाला, ये कहानी आगे कैसे बढ़ने वाली है। पहले इस इंसिडेंट को देख लेते हैं। पर इससे पहले गाइस, मैं इंसिडेंट के बारे में बताऊं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप भी अपने पैशन के जरिए, अपने एक्सपर्टीज के जरिए या अपने टैलेंट के जरिए अगर आप वैल्यू क्रिएट करना चाहते हैं और उस वैल्यू को क्रिएट करके अगर आप अपने लिए एक रेवेन्यू स्ट्रीम बनाना चाहते हैं डिजिटली, तो आपके लिए मैं एक फ्री न्यूज़लेटर लाया हूं जिसमें हफ्ते में एक बार आपको एक ईमेल आएगा, पर उस ईमेल में ढेरों टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी जो फ्री में आप अपनी डिजिटल लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हो। बहुत सिंपल, कट कॉपी एंड पेस्ट, और एक नई रेवेन्यू स्ट्रीम आपके लिए तैयार हो जाएगी। तो दिए गए लिंक पे जाके रजिस्टर कर लो और वो ईमेल्स हर वीक आपके इनबॉक्स में लैंड हो जाया करेंगे। इस ईमेल को सेव सेंडर लिस्ट में डाल देना अपने जिस भी ईमेल अकाउंट को आप यूज करते हो उसमें। आगे बढ़ते हैं। अरे ये वड़ा पागल तो यार आसिम और अभिषेक की मुझे लगता है पूरी फैन निकली है, पूरा पूरा सीख के आएंगे, पूरा ट्रेनिंग ग्राउंड तैयार करके आई हैं। हाथ पीछे बिल्कुल ऐसे कर रहे हैं कि भाई बिग बॉस का आदेश आएगा अगर और सलमान खान वीकेंड के बारे में बुलाएंगे तो इनकी गलती ना दिखे कोई। वाह, पीछे से बात करके, पीछे से बात करके, पीछे से बात करके। मुझे लग रहा है ये बिग बॉस को बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करनी है। अभी देखिए, मतलब एक बार पीछे हाथ, तेरे का जोर नहीं है, जो बाहर मिलना है बाहर मिलना है, जो करना है यहाँ करना, डरता किससे है? और फिर यू नो चढ़ रही है सीधा। आपको चंद्रिका जी में ना अलग अलग बिग बॉस कंटेस्टेंट्स देखेंगे और मैं आपको चाहता हूं कि आप इसको केयरफुली देखें और एक एक ऑब्जर्वेशन में आप देखिए कि चंद्रिका दीक्षित जी बिग बॉस की कितनी बड़ी भक्त हैं, कितने अच्छे ढंग से इन्होंने बिग बॉस चाटा हुआ है और कैसे ये अपनी टिकट की, बिग बॉस 18 की टिकट के लिए कैसे दावेदारी रख रही है। मैं तो
ये सुनिए इनकी भाषा सुनिए, ये भागते हुए देखिए देखिए इन्हें भागते हुए ये आंटी ने मुझे डॉली जी की याद दिला दी। और ये भाई साहब देखो बिल्कुल मनोज तिवारी की तरह बिल्कुल डिफेंसिव पोजीशन में ये आंटी यहाँ इन भाई साहब को गाली दे रही है। कुत्तों के साथ कुत्ता बनना पड़ता है। इनको शायद ये नहीं पता कि मेनका गांधी जी का घर आसपास ही है। उन्होंने बोला बाप पे नहीं जाने का। चिल्ला रहे बापा बोला नहीं। चिल्लाओ नहीं बापा बोला नहीं। दल्ली किसको कह रहे हो? मैंने किसको दल्ली बोला? मैंने बोला मैंने बोला आज रोने का ड्रामा नहीं चलेगा। ऐसा हस्बैंड गया है वहाँ पे गाने। सुनो आज नहीं। हेलो नाउ शी टीचेस द गाय एंड गेट्स फिजिकल। मतलब लिटरली उसके शोल्डर पे टैप। अगर यही किसी मर्द ने कर दिया होता ना चंद्रिका जी को, तो चंद्रिका जी यहाँ बिल्कुल वुमन का हा हा कर मचाती और रोने लगती। लाल हुआ पड़ा भाई देखो जरा। सीता ले भाई सीता ले ध्यान रखना। किसी लेडीज़ पे हाथ उठाने कि मेरी इज्जत पे हमला बोला पक्का। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि औरतों से बात करने की तमीज होनी चाहिए। और इस लड़के को जस्टिस कौन दिलाएगा? जितने भी लड़के देख रहे हैं न्याय दिलवाना है यार इसके। ये बंदे का कॉलर पे टैप करा गया है। टैप 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 टैप। यहाँ वो और बात है कि कई लोग बोल रहे हैं कि मैं हमारे यहाँ टैप कर दो। चंद्रिका जी थोड़ी बिग बॉस को ढंग से नहीं समझा है, बिकॉज ये बिग बॉस में अलाउड नहीं है। फिजिकल कंफ्रंटेशन इज नॉट अलाउड चंद्रिका जी, दिस इज बैड। इन्होंने बोला चुन्नी पे हाथ नहीं लगाने का, पर ये साथ में पकड़ी गई है। ये देखो आप ऐसे बाहर हो रही हैं, आप ऐसे कैसे चलेगा बिग बॉस में? तो आपका मेंटल ब्रेकडाउन हो जाएगा। सब लोग अपना कंटेंट बनाने में लगे हैं और पूरी भीड़ का मचा ले रहे हैं जैसे कोई काम धाम हो ही नहीं। अभी इनकी गर्लफ्रेंड्स या इनकी बीवी को ये पता चलेगा ना, ये वीडियो में जब इनके चेहरे देखेंगे तब इनकी दुलाई होगी। बाकी गाइज अगर किसी के पास ये आंटी का क्लोज अप हो फ्रंट व्यू तो जरूर hello@peepo.com में भेज देना, या हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी में वहाँ आ जाओ और वहाँ ये चीज़ शेयर कर देना। अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने यहाँ लाइव फुटेज रिकॉर्ड करी है। ये लो आ गई, ये आ गई पुरानी कैंडिडेट। ये एक्टिविस्ट दीदी हर जगह पहुंच जाती है, आपने इनको पुराने वीडियोस में भी देखा होगा। अब मुझे लग रहा है कि या तो इनको पैसे मिले हुए गाइस, या तो चंद्रिका जी ने इनको पैसे देकर सेटिंग करी हुई कि आप आ जाए करें और एस्केलेट करा करो सिचुएशन को। जैसे बिग बॉस में आप कुछ ऐसे कंटेस्टेंट को हायर करते हो वाइल्ड कार्ड की तरह लेकर आते हो, जो स्पेशली मसाला डालें स्पाइस डालें लड़ाई करें झगड़ा करें, जैसे सलमान खान उनको फिर डांटें और फिर उनको बर्खास्त करें जैसे वीकेंड के वार की टीआरपी बढ़े। क्योंकि ये एक्टिविस्ट के लक्षण तो बिल्कुल नहीं है गाइस। आई मे बी रॉन्ग बट आई थिंक दीज आर द टू ऑप्शंस। ये बिल्कुल मुझे वैसी सेटिंग लग रही है। या ओए चंद्रिका जी ने बोला क्योंकि बहू घर से भाग गई थी। बहू घर से भाग गई,
अब ये और बात है कि देखिए, एकता कपूर ने पूरी भारतवर्ष को बता दिया कि एक सास और एक बहू में नहीं मनती, पर मुझे अब ये लग रहा है एक्टिविस्ट दीदी की स्क्रिप्ट होगी कि भाई मैं इन झगड़ों में, स्क्रिप्टेड झगड़ों में इसलिए काम करूंगी क्योंकि आपको मेरी बहू को डिफेम करना। ये एक्टिविस्ट दीदी की साजिश है कि उनकी बहू को डिफेम किया जाए भरे बाजार में, बिकॉज देखो इसके बाद चंद्रिका जी पे कम उंगलियां उठेंगी, लोग ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाएंगे कि एक्टिविस्ट दीदी की बहू है कौन जो घर से भाग गई है। This is एकता कपूर सास वर्जन, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। कौन सा वाला है सर आपका? सबको नुकसान हो जाएगा आपकी वजह से, मत निकालो, आपकी वजह से सबको नुकसान हो जाएगा। ये देख लो, आपको लग रहा था मैं मजाक कर रहा हूं, ये देखो एक्टिविस्ट दीदी का एक्सप्रेशन देखो। इनको यहाँ मजा आया, मैं बता रहा हूँ मजा आया बिल्कुल। इनको ये बात सुनकर जितना मजा आया उतना बिल्कुल नहीं आया था भाई, इतना मजा इनको ये बात सुन के आया। अबे सरासर चीटिंग है। अरे इतनी चीटिंग तो यार ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तानी क्रिकेट फील्ड पे नहीं करते जितनी ये मैडम सरेआम कर रही हैं। इनको क्या लग रहा है यहाँ कैमरा नहीं है? बस बिग बॉस के घर में कैमरा होता है, यहाँ नहीं है। देखो कितने लोग कैमरा से शूट कर रहे हैं, दूसरे एंगल से अगर आप देखोगे तो पता चलेगा कि मैडम ने चीटिंग करी थी। और यहाँ मैडम ने आज इंट्रोड्यूस कर दिया, वुमेन कार्ड तो आपने बहुत देखे होंगे, पर आज चंद्रिका जी ने दिल्ली वड़ा पाव गर्ल ने इंट्रोड्यूस किया है चुन्नी कार्ड। अच्छा चंद्रिका जी का चुन्नी कार्ड एक्सपोज्ड, जितने भी लोग चैट में देख रहे हैं आई थिंक स्पैम हो जाना चाहिए। चंद्रिका जी का चुन्नी कार्ड एक्सपोज्ड, चुन्नी कार्ड सोशल मीडिया पे इतना फैला दो कि ये चंद्रिका दीक्षित जी का नाम चुन्नी कार्ड वाली दीदी बन जाए, कोई महिला ऐसे कार्ड यूज करती है और फिर वो बाद में रेप्लिकेट होता है। अभी आप देखना कितने चुन्नी कार्ड यूज होंगे आगे से। ये मतलब इनका शोल्डर टैप कुछ नहीं है, चुन्नी कैसे, मतलब खुद की चुन्नी तुमने साइड में गिरा दी। ये इनसे पूछो कोई जो चुन्नी है जो इसका कोई फेविकोल जोड़ है जो टूटेगा नहीं, हाँ इतनी हाथापाई करेगी, इतना बौखलाहट में वहां रिएक्ट करोगी तो चुन्नी तो गिरेगी ना मैडम। ये देखो ये सारे इनको कोई सहानुभूति नहीं है, ये जो ये लड़ाई झगड़ा बचा रहे हैं, बड़े बड़े काम कर रहे हैं लोग, बड़े बड़े इनोवेशन हो रहे हैं और ये लोग क्या कर रहे हैं, ये चंद्रिका दीक्षित जी का फेक स्क्रिप्टेड झगड़ा सुलझा रहे हैं। अब इनकी कोई गर्लफ्रेंड होगी या इनकी कोई बीवी होगी, इनको पता चलेगा जब चेहरे वो देखेंगी तो आपको पता ना क्या होगा, ये सारा बिग बॉस का क्या दे रहा है। लोग बिग बॉस देखकर इतने आदि हो गए हैं कि उनको जगह जगह बिग बॉस खेलना होता है। और आप एक और चीज नोट करोगे, यहाँ 95% आपको मेन देखेंगे, और अगर आपको वजह पता है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा कि यहाँ लड़कियां इतनी कम क्यों हैं और लड़के ही लड़के क्यों हैं, ये जरूर बताना। और देखो वड़ा पाओ दिल्ली गर्ल सशक्त इंडिपेंडेंट वुमेन का जीता जागता सबूत है। ये झगड़ा करती हैं और इनका जो हस्बैंड है वो कंटेंट मॉडरेट करता है, उसका कोई और काम नहीं है। और उससे जब ये पूछा जाता है कि भाई आप ये जो गरीबी का नाटक कर रहे हो, आप ये जो ठेले लगा रहे हो, ऐसा क्यों है फिर कि आपको 50,000 रुपए रिबन काटने के मिल रहे हैं, फिर आप गरीब तो हो नहीं, तो आप तो दुकान ले सकते हो, वेरी गुड क्वेश्चन। तो वो कह रहे मैं तो मैनेज करता हूँ, रिबन काट के 50,000 रुपए लेके आई है एक दुकान अग्रवाल जी से लेके आई है, उसके बावजूद आप गरीब है, उसके बावजूद आप रेडी पे है बिजनेस, भाई साहब आप मैनेजर मैनेज कर रहे हो, इतना पैसा आपके पास, आप दुकान क्यों नहीं ले रहे? मैं तो दुकान मैनेज कर रहा हूँ ना, मैं वो आप अपना अकाउंट खुद मैनेज कर रहा हूँ। आप दुकान क्यों नहीं ले रहे? आप बता पाएंगे? देखिए चलिए ये वीडियो बना रहे हैं, आप इन्हें बताएंगे दुकान क्यों नहीं ले रहे हैं आप? इतना पैसा होने के बावजूद लाइनें लग रही हैं, कूपन बढ़ रहे हैं, कंटेंट मॉडरेटर बन गया भैया। ये देखो आखिरकार में कॉर्पोरेट के लोगों को आना पड़ता प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने में। हाँ मेरे को अपने कंसल्टिंग के दिन याद आ गया यार, बट वो और बात है कि हमें तो जॉब छोड़ के ये वीडियोस बनाने पड़ रहे हैं। इनको देखो यार जॉब करते करते ये मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं और वायरल भी हो रहे हैं। ये देखो पर छू भी रहे हैं तो मल्टीपल टाइम्स छुआ यार इन्होंने। भाई साहब ये कॉर्पोरेट वाले भैया बड़े इंटेलिजेंट निकले, ये अपनी अलग ही सेटिंग बिठा रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, जॉब करते करते साथ में ये अलग ही मसीहा बना हुआ इंसान, फ्रीडम फाइटर। और वहां देखो वो कहां है भाई साहब कंटेंट मॉडरेटर। तो गाइस इस वीडियो से हम क्या सीखते हैं, नटशेल हम क्या सीखते हैं मैं आपको बताता हूँ। आगे इस वीडियो को देखकर मैं प्रेडिक्शन करता हूँ, भविष्यवाणी करता हूँ चंद्रिका दीक्षित जी की लाइफ में आगे आगे क्या क्या घटित होने वाला है। और ये वीडियो में क्या सिखाता है, एक चंद्रिका जी ऐसी सेंसेशनलिज्म दिखा के
ऐसे ड्रामे करके बिग बॉस का टिकट पालेंगी बिग बॉस 18 OTT 30 पक्का। और उसके साथ साथ ये जितने भी यहाँ लोग हैं ना, ये जब घर जाएंगे तो इनकी पत्नी और गर्लफ्रेंड इनको डंडे से मारेंगी। तो मिलने वाले हैं यहाँ पे वड़ा पाव मिलने वाले हैं। भाई कब से खड़े हो लाइन में दोस्त? एक घंटे से खड़े हैं। एक घंटे से? और सर आप कब से खड़े हो? भाई मेरे को हो गए कम से कम एक घंटा ही हो गया होगा। भाई भाई को एक घंटा हो गया। तो इनके घर के खाने की आदत ही छूट गई है, इनको चाहिए वड़ा पाव सुबह शाम रात। तकरीबन 2 महीने से आदत पड़ी है, तब से हर दूसरे दिन चक्कर लग ही जाता है। चंद्रिका जी का इस इंसिडेंट के बाद जो वड़ा पाव का रेट है वो 50 रुपए से 75 रुपए या 100 रुपए तक चला जाएगा। और लक्ष्य चौधरी के बाद अब यहाँ कैरीमिनाटी वड़ा पाव खाने जाएगा। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज। और उसके बाद थगेश लफड़ा सेंट्रल के आगे वाले एपिसोड में चंद्रिका दीक्षित को जरूर बुलाएगा। सलमान खान बिग बॉस 18 में या OTT 3 में चंद्रिका दीक्षित जी के साथ फ्लर्ट करेंगे। अच्छा क्या देंगी ईदी में? आप जो मांगो। और रोहित भैया एंड में आके चंद्रिका दीक्षित जी को खतरों के खिलाड़ी में पहुंचा लेंगे। और उसके बाद यू नेवर नो कि सलमान खान की नेक्स्ट मूवी में एक कैमियो चंद्रिका दीक्षित जी को मिली जाएगा। चंद्रिका दीक्षित जी जोश टॉक्स में अपनी स्पीच देंगी और एक्टिविस्ट दीदी का बदला पूरा हो जाएगा। लगेगी सबकी लगेगी। हां बिल्कुल लगेगी। नहीं किसी की नहीं लगेगी। जब उनकी बहू पे उठेंगे सवाल। और आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे और अपनी कमेंट में जरूर प्रतिक्रिया देंगे। आपको क्या लगता है ये समाज कहाँ जा रहा है? ये डिजिटल युग में ये समाज कहाँ जा रहा है? क्या आपको लगता है वायरल सेंसेशन करके बड़ा इजिली फेमस हुआ जा सकता? क्यों इतना क्रेज है लोगों में? ये जो सारे लड़के सब कुछ छोड़ के यहाँ बैठे हुए, इनको चाहिए क्या वड़ा पाओ या कुछ और? और आपको तो पता ही है चंद्रिका दीक्षित जी को क्या चाहिए। शी जस्ट वॉन्ट्स टू गेट मोर फेम एंड फॉलोअर्स एंड अ पॉसिबल बिग बॉस टिकट। एंड आई एम श्योर नेहा जी जब उनका पहला वाला वीडियो देखेंगी तो चाहे बिग बॉस में सलमान खान उनको कास्ट ना करें पर नेहा कक्कड़ जरूर इनके साथ हक करके जप्पी मार के साथ में रोना जरूर चाहेंगे। आपको क्या लगता है आप जरूर बताना। मैं आपको बस इतना जरूर बता देता हूँ कि इंसिडेंट क्यों हो रहा था। ये इंसिडेंट इसलिए हो रहा था कि कहीं जिस चीज के लिए चंद्रिका दीक्षित जी का वीडियो वायरल हुआ था, जहां उनको सहानुभूति मिली थी क्योंकि रेड़ी हटाई जा रही है, आज वो वही काम और रेडी वालों के लिए कर रही हैं, बिकॉज उनको चाहिए मोर स्पेस मोर अटेंशन एंड फोकस अटेंशन। सामान देख लो मास्क सैनिटाइजर की, मैं 4 साल से लग रहा हूँ, 1.5 साल से आए हुए हैं ये लोग। पिज्जा वाले हैं, मोमोज वाले हैं, सारे इनकी वजह से सारी हमारी ऐसी हालत हो चुकी है। मैं कर्ज ले लेके अपने बच्चों की फीस भर रहा हूँ आज की डेट में। तो क्या इनकी वजह से क्या हो गया? शॉप हमारी वहीं पे लगती थी, वहाँ पे इनकी वजह से वो रोड पूरा खाली करा दिया वहाँ से। साहब आज जस्ट मैं आपको आधे घंटे पहले की बात बता रहा हूँ, आपको वहाँ पे आए हैं कि भाई या तो दुकान हटा लो या तीसरी बार में या तो आपकी दुकान बंद हो जाएगी। मेरी कौन सुनेगा पहले से बताओ। हम सुनेंगे बाबा, रो क्यों रहे? मेरे को परेशान हो, 4 महीने से परेशान हूँ फरवरी से। आपका क्या पिज्जा की पिज्जा पिज्जा ही काट लगती है मेरी, मैं यहाँ नहीं लगा तो मैं उधर ही लगा रहा हूँ। पिछले दिन मुझे बताया कि कल इनके हस्बैंड आए और उन्होंने कहा कि मैं रेडी नहीं लगाऊंगा, सारी रेडियां हट रही है। मजे की बात यह है कि ये देखने आ रहे हैं यहाँ पर कैसे लोगों की रेडियां हट रही हैं। इनका ये है कहना हमारी पावर इतनी ज्यादा है कि हम लोग यहाँ पर रेडी लगा भी सकते हैं, कोई उठवाएगा नहीं, और हम किसी की भी रेडी उठवा सकते हैं। मैं उस इनॉग्रेशन में गया था जहाँ 50,000 रूपए रिबन काटने के इनॉग्रेशन में गया था जहाँ 50,000 रूपए रिबन काटने के चंद्रिका जी ने खुद लिया। 1.5 साल से मेरे पास लगा रही थी। आप कहाँ लगाते हो? ये यही कोने पे। 1.5 साल से मेरे पास लगा रही थी, तो मेरा लड़का लगवा के गया था इनको, वो इनकी वजह से ही सारा काम मेरा चौपट हो गया। वाले कितनी आयरनी है, इमेजिन।